सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। जगन्नाथ जी, आप और हम आपकी पार्टी हैं, सहयोगी दल के रूप में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने का मन बनाया है, आखिर ऐसी क्या वजह है? देखिए लालू जी, गरीबों का मसीहा का मतलब भगवान है। लोग गरीब लोग उनको भगवान के रूप में दिखता है और उनके पास माई समीकरण वोट है, एक थॉक वोट है, 30% वोट वन साइडेड वोट है। अगर कोई कहता है कि बतला दे कीजिए मेरे पास 31% वोट है, तो जो कहिएगा हम मान लेंगे। उसके बाद दलित, पिछड़ा, अकलियत सब लोग इस बार बीजेपी से, जदयू से, महागठबंधन से, डबल इंजन की सरकार से उबा हुआ है। बेरोजगार युवा हो, पढ़ल लिखल हो, हर जाति के लोग उबा हुआ है और उब कई 15 बरस में इन्होंने कोई काम नहीं किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं। जो पुल बनाए हैं वह पुल बह गया है, रोड बनाए हैं रोड बह गया है, जो आप लोग सब देखते हैं, दुनिया सब देख रही है, कोई विकास के काम नहीं किए हैं। विकास के नाम पर यही किए हैं कि दारू को होम डिलीवरी करवा दिए, उससे जो पैसा आता है दारू से, थाना के माध्यम से हो जहाँ से हो, वो डायरेक्ट CM ऑफिस के टेबल पर जाता है। ऐसा जितना माझी जी ने भी बयान दिए हुए हैं, वह पैसा पहुंचता है वहाँ। नो तो जो दारू 100 रुपया मिलता था, होम डिलीवरी में 200 रुपया मिलता है, पैसा कहाँ जाता है? अब बॉर्डर सील है, फिर दारू कैसे पहुंच रहा है? क्या कर रहा है आपका प्रशासन? कोई काम नहीं कर रहा है। तो आप अगर रुकना चाहेगा तो नहीं रुकेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए लालू जी के इस बार, तेजस्वी जी के, जगदानंद बाबू, उनको मिल गया एक प्रदेश अध्यक्ष जो चाणक्य के काम करते हैं, जो सबको मिलाने का काम करते हैं, सबसे बात करने का काम करते हैं। इसीलिए इस बार आरजेडी के सरकार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए मैंने मन बनाया कि मैं अकेले चुनाव तो लड़ कर देख लिए हैं, सिर्फ वोट काटने का काम किए, उससे नहीं होगा। इस बार वोट को बिखराव कर रोकेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव को, लालू जी के, जगदानंद सिंह के हाथ को मजबूत करेंगे। जो ही मुझे सीट देंगे उस पर हमारे समाज के लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। यही लिए उनसे हम सहयोगी दल के रूप में मैंने घोषणा की। आप और हम पार्टी कितने सीटों की दावेदारी करेगी? देखिए, आप और हम पार्टी को लालू जी, तेजस्वी जी, जगदानंद बाबू जो सीट देंगे उसी में हमारे जातीय समीकरण के अनुसार उस पर आप और हम पार्टी चुनाव लड़ेगी सहयोगी दल के रूप में। जगन्नाथ जी, आप और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? सिर्फ चुनाव तो लड़ना है, मैं तो मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव लड़े हैं, लोकदल से जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ, उसके बाद फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं, तो चुनाव तो लड़ना ही है, नहीं लड़ेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनाव आप लड़ेंगे? निश्चित लड़ेंगे, तेजस्वी जी, लालू जी, जगदानंद जी का कृपा हुआ तो हम अवश्य चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। सहयोगी दल के रूप में अगर आपको एक भी सीट अगर नहीं मिलती है, वैसी स्थिति में फिर आप क्या करेंगे? लालू जी, जगदानंद बाबू, तेजस्वी बाबू जो बोलते हैं वही करते हैं 100%, उसमें कहीं से भी 1% भी गुंजाइश न के नहीं सवाल। इसलिए जाति में उन्होंने आरक्षण लगा दिया, उन्होंने बोले हैं कि सनप मलाह हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो,
जिसको जो सीट मिलेगा अपने जाति को ही लड़ाएगा, दूसरा आदमी उस पर नहीं लड़ेगा। अगर लड़ेगा तो RJD विरोध करेगा। यह बयान तेजस्वी जी का नहीं, आपके लिए सवाल ये है कि आप और हम पार्टी को अगर सीट नहीं मिलती है, एक भी सीट नहीं दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप और हम पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? बोल तो दिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुझे सीट नहीं मिलेगी। और ऐसा होता है तब क्या करेगी पार्टी? होगा नहीं। अगर ऐसा होगा तो फिर आप हमसे पूछिएगा, आपके चैनल पर हम बतलाएंगे। RJD की सरकार बनेगी, प्रमुखता क्या होगा? RJD की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। युवा है, ऊर्जावान है, चाणक्य है जगदानंद बाबू, लालू जी, सब मिलकर मुजफ्फरपुर नहीं पूरे बिहार में, शहर में जितने झुग्गी झोपड़ी है, जो रोड साइड में दुकानदार दुकान लगाते हैं, सभी को पक्का मकान बनाकर उसमें दुकानदार को मतलब दुकान दिया जाएगा, जिससे राजस्व भी आमदनी होगी। जो भी गंडक किनारे हुआ, रोड किनारे झुग्गी झोपड़ी बनाकर आता है, उस सबको नज़दीक सबको मतलब फ्लैट टाइप के मकान बना बना कर बिहार सरकार के ज़मीन में, गंडक के ज़मीन में, जहाँ हो गैरमजरुआ ज़मीन में सबको मकान दिया जाएगा, सबको बनाया जाएगा टाउनशिप की तरह। ये नहीं कि सुरेश शर्मा जी के तरह स्मार्ट सिटी BJP ने बोला बनाएंगे। आप लोग भी देखते हैं रोज उलटता है, लोग गड्ढा है रोड में, पानी है, दमकल से पानी खींचने से कहीं पानी खत्म हो जाएगा। ये तो हुआ कि समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लेना, ऐसे नहीं होगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का क्या मकसद, जबकि उनसे अनुभवी बहुत सारे नेता है जिन्होंने त्याग भी किया, अनुभव भी है। तेजस्वी जी का क्या परिवारवाद को लेकर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? इनका क्या अनुभव रहा, क्या त्याग रहा पार्टी के प्रति? देखिए तेजस्वी जी अभी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, विरोधी दल के नेता हैं, युवा है, उनमें सोच है, लगन है कि कुछ करे गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए। आपको क्या लगता है इनकी सोच के बराबर आज तक अब इसके अलावा कोई नेता नहीं बचा जो लंबे समय से लगे हुए थे पार्टी में? रघुवंश बाबू की बात करें, क्या रघुवंश बाबू मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते थे? वो जगदानंद बाबू नहीं हो सकते हैं वो? अरे तो देखिए, जो लोग जीत कर जाएंगे, जिसको वोट चेहरा तेजस्वी की क्यों, रघुवंश प्रसाद यादव को प्रमोट क्यों नहीं करेंगे? वो रघुवंश बाबू मुख्यमंत्री होंगे, चेहरा जो मुख्यमंत्री की जो चेहरा को जो अब जो सामने आप तेजस्वी की जो ला रहे हैं, युवा है इसलिए, वो तो गार्जियन है हर चाहता है कि हमारा बेटा भतीजा आगे बढ़े, काम करे, दौड़ धूप करे। अनुभव क्या है? अनुभव तो कहने कि उप मुख्यमंत्री रहे हैं, विरोधी दल के नेता हैं, इतना संगठन को जो मजबूत किए हैं वह तेजस्वी यादव ने किए हैं। अभी जो फिलहाल में जगदानंद बाबू किए हैं, डिसिप्लिन हो, सबसे पहले तो विधानसभा में आरक्षण पार्टी में आरक्षण लगा दिए, बहुत बड़ा काम। सब गरीब गुरुआ के बेटा वहाँ जीत कर जाएगा और जयकार करेगा। शराबबंदी एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, लोगों का कहना है कि बाहर से शराब आती है, बिकती है, इसका राजस्व बाहर चला जाता है। वैसे स्थिति में जब आपकी RJD की सरकार बनेगी, शराबबंदी को चालू करेंगे या शराबबंदी को बंद रखेंगे, पूर्णतः बंद रखेंगे, यहाँ शराब की बिक्री नहीं होगी, क्या करेगी सरकार? देखिए, क्योंकि एक वर्ग महिला वर्ग है जो शराबबंदी से खुश है, और दूसरे एक पुरुष वर्ग है जो शराबबंदी से नाखुश है, वो चाह रहा है कि चालू हो जाए, फिर दोनों तालमेल कैसे बैठेगा? ठीक, अभी आपको पता होगा, अभी हम आप हमारे नाली में आ जाकर देखिए, रोज एक ट्रक मुजफ्फरपुर से खाली बोतल निकलती है, एक ट्रक खाली बोतल निकलती है। कौन बेचता है, कैसे आता है, सीसी बोतल के दुकान में जाकर देखिए कितना जमा होता है। जो महिला कहती है, हाँ, जो पाउच बनता था, जो जहर था, जो बनता था, पीता है, मर जाता था, वो सब नहीं चलेगी। लेकिन राजेश के लिए सरकार बनेगी तो
कोटा के हिसाब से शराब तो मिलना चाहिए। शराब चालू होगा, शराब तो चालू होगा, कोटा के हिसाब से मिलेगा। ऐसे भी तो लोग पी रहे हैं, राजेश जा रही है बाहर, नहीं जा रही है, यहाँ तक कुछ आया ना रही है, यहाँ तक कुछ नहीं है। और देखिए जो गंदा उठाता है नगर निगम, आज़ादी के 74 बरस हो गया, सुरेश शर्मा जी मुजफ्फरपुर के, मैं भी मुजफ्फरपुर के, उस सबको हटाना चाह रहे थे। इतना कोरोना के काल में गंदा में कीट उठाना और नाली में घुसना, बिना मास्क के बिना कुछ के लगन रहता है, डरता नहीं है, काम करता है 24 घंटा। आप जाते हैं तो मुंह पर गमछा ही रख लेते हैं, मास्क लगा लेते हैं कि गंदा महक रहा है, उसी में लोग खाता है, उसी में रहता है। वह अम्बेडकर जी का पुराना सपना था जो आज तक ये लोग वंचित किया गया। तेजस्वी जी आएंगे, तेजस्वी की सरकार बनेगी तो 30,000 जो मजदूर है सफाई कर्मी, उसको परमानेंट होगा, रिटायरमेंट मिलेगा, पेंशन मिलेगा। यही काम सबसे पहले मैं तेजस्वी जी से करवाएंगे, तब अम्बेडकर जी का पूरा सपना पूरा होगा। स्मार्ट सिटी लेकर क्या सोचिए आपको? स्मार्ट सिटी तो आप देख रहे हैं, सारा लूट हो गया, सारा लूट हो गया। एक कहीं काम हुआ है जो नाला है, मैं खुद अंडीगोला में नाला में गिर गए थे, पानी में पता नहीं चला, हम जा रहे थे, वहाँ के दुकानदार लोग हमको उठाया, फिर गाड़ी को हमको निकाला। यही तो स्मार्ट सिटी है, नाला नहीं है। आप देखिए कहीं भी नाला पर ढक्कन नहीं है, पानी कैसे निकलेगा? जो मेन नाला था उसको आज तक आज़ादी के बाद से, अंग्रेज के ज़माने में साफ भी होती थी, आज तक उसमें से कचरा नहीं निकाला। कम से कम कचरा निकल जाता तो जो भी पानी है वह उस नाला में आए, हर दो नाली में चला जाता। ऐसा काहे करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? हमारे बैस लोग जो दुकान किए हुए हैं उसमें कपड़ा, दुकान में जूता चप्पल सारा उसी में सड़ जाता है हर साल। इस बार सब मन बना कर रखे हुआ है कि चीन और पाकिस्तान करने से, राम जन्मभूमि करने से पेट नहीं भरने वाला है। यहाँ के नौजवान बेरोजगार पलायन कर रहा है। पहला भाई, अगर तेजस्वी की सरकार होगा छोटे छोटे कुटिल उद्योग लगेंगे, प्रखंड में लगेंगे, सबको नौकरी दिया जाएगा, फैक्ट्री को स्टार्ट किया जाएगा, नौकरी तो हर घर में मिलेगी, नहीं मिलने के सवाल नहीं। आरक्षण को लेकर क्या सोच? आरक्षण तो 10% सवर्णों को भी मिल गया, आरक्षण है कहाँ? आरक्षण कहाँ? आरक्षण की तो बहाली नहीं होती है, सारे सीट खाली है, सबको प्राइवेट कर दिया गया। मोदी को आप ट्वीट देखिएगा तो एक ट्वीट के नज़दीक 5,00,000 जनता उसको गाड़ी भगता है। अब ट्वीट बंद कर दिए हैं और कहते हैं कि हमारा ट्विटर को हैंग कर लिया है, जनता देखना नहीं चाहता। इतना नफरत हो गया बीजेपी से, इतना जदयू से नफरत हो गया। आरक्षण का लाभ एक बार मिलना चाहिए या बार बार, एक परिवार में बार बार मिलना चाहिए? आरक्षण का मकसद होता है जो नीचे दबे कुचले हैं उनको आरक्षण को लेकर ऊंचा स्थान से आ जाए। रमाई बाबू जो है, रमाई बाबू को आरक्षण के सीट के तौर पे उनको विधायक बनाया गया, मंत्री बनाया गया, आज जो उनकी स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है, फिर भी वो आरक्षित आरक्षण के नाम आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जरूरी है उनको आरक्षित सीट का? नहीं, समय तो सबको मिलना चाहिए, हर गरीब को समय मिलना चाहिए आरक्षण में। रामविलास पासवान या रामविलास पासवान जी हो गए तो उनको तो आरक्षण की जरूरत नहीं है, जितना राम माझी जी के आरक्षण की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा मुसर भाई वहाँ पर ठहरा हो जाता, उनको सारा सुविधा तो मिल रहा है, ऐसा राम कर रहे हैं, दूसरा पासवान जाता। इन लोगों ने जात को बेचने के काम किया है। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता
रमई बाबू हैं, वो भी बार बार आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या इस बार बोछा वो सुरक्षित क्षेत्र वो छोड़ कर कहीं और चुनाव लड़े? नहीं तो उधर चुनाव बोछे से लड़े। नहीं क्यों, सुरक्षित क्षेत्र से क्यों, सामान्य क्षेत्र में जाएं वो? बार बार आरक्षण का लाभ क्यों लेंगे? कोई भी नेता हो बार बार आरक्षण का लाभ क्यों लेंगे? नए लोगों को मिलना चाहिए मौका, सामान्य सीटों पे जाएं। अगर उन्होंने काम किया है, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, काम अगर उन्होंने किया है, आरक्षित सीट पे भी चुनाव लड़ेंगे, कहीं से उनको मिलेगा मौका? देखिए इसके अगेंस्ट में बेबी कुमारी चुनाव लड़े, जनता उससे ऊब गई है, कोई काम नहीं किया है, तो जनता चाह रहा है कि नहीं रमई बाबू ही चुनाव लड़े, जनता की मांग है, इसलिए चुनाव लड़ेंगे। जगन्नाथ जी, चलते चलते बिहार की जनता को क्या संदेश देंगे आप? बिहार को जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि इस बार आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए और लालू यादव जगदानंद सिंह को हाथ को मजबूत कीजिए, इनको हाथ मजबूत कीजिएगा तो बिहार में अपराध मुक्त बिहार बनेगा और बेरोजगारी दूर होगा और अपराध पर नियंत्रण होगा। जब बेरोजगारी दूर हो जाएगा तो अपराध होगा नहीं, सब अपने काम में लग जाएंगे और नारी रोड पर 12 बजे भी घूमेगा किसी अपराधी का हिम्मत नहीं होगा कि इसको छीन ले, चैन छीन ले, रबड़ी कर दे, उठा कर ले जाए, ऐसा कभी नहीं।